मैं जमील फारूकी हूँ आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तमाम तारीफाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुंबिश को भी बखूबी जानता है खर हज़र महमद मुस्तफ़ा अहमद मुतबा सल्ला वसलम के साथ पाक के ऊपर जो वजह है तख्ली कायनात हैं जिनकी वजह से हम हैं जिनकी वजह से ये कुल कायनात है आज तीस अक्टूबर है बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर एक बजे का वक्त हो रहा है और मेरी नजर में गुजतर चौबीस घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी खबर सबक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजीफ फायद ईसा साहब की लंदन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर होने वाली वा तोज़ु है जिसे बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कुछ हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर उनके ऊपर डोनट फेंके गए कुछ मुबैया तौर पर यह कह रहे हैं कि उनके ऊपर जूते फेंके गए और फिर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाहर कुछ मनाजिर कैमरे ने अक्स बंद किए अगर आपने ज़िंदगी में कोई अच्छा फैसला किया होता अगर गुज्तर दो साल के अंदर जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली होती रही और आप आंखें बंद कर कर बैठे रहे वो ना किया होता तो आज ना तो आपको शर्म से सर झुकाना पड़ता ना कैमरों से आंखें छुपानी पड़ती ना कार के अंदर छुप के ऊपर भागना पड़ता वो कार किसकी थी उनको कौन यूनिवर्सिटी लाया था मिडिल टेंपल यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़ा क्या पेश आया है और इसके तमाम तर लॉन्ग टर्म इम्प्लीमिकेशन क्या हो सकती हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया इसको लेकर किस तरह से डिस्कस कर रहा है जिनके साथ नाइंसाफी बदसलूकी गुजरात दो साल के अंदर हुई है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने ला रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंचाई जा सके लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी की आदत नेशनल मीडिया के ऊपर अपने मुद्दे को किस तरह डिफेंड कर रही है उसकी डिटेल्स क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है इसके अलावा अभी एक इंतहाई अहम हेरिंग हो रही है अडयाला जेल के अंदर बुशा बीबी मौजूद हैं उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतबात के अंदर जीता कौन है वो और फिर कुछ वायरल ट्वीट वायरल बयान इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है एक और गुजारिश अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे हैश टैग के अंदर मौजूद होता है उसको जाकर क्लिक कर लीजिए उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए बाजा होता यह है कि फायर की वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता व्हाट्सएप चैनल के अंदर लिंक मौजूद होता है उसको क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे आराम से आप वीडियो देख सकते हैं कोई मसला नहीं है मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी लंदन काजी साहब जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पौने दो साल चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान रहे वो 24 घंटे भी पाकिस्तान के अंदर अपनी रिटायरमेंट के बाद नहीं रह सके और उनके पहला फैसला यह था कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और लंदन की एक यूनिवर्सिटी है मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी उसके अंदर उन्होंने बतौर मैनेजर खदम अंजाम देनी है पाकिस्तान की एम्बेसी की गाड़ी इतलात के मुताबिक उन्हें उनके रिहायश गह से यूनिवर्सिटी लेकर जाते ही और जब उनका पहला दिन था तो उस दिन हुआ यह कि न सिर्फ यूनिवर्सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ आ, काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी के नारे लगाए गए मैं देख रहा था मलिका बुखारी अजहर मशवानी जुल्फ़ी बुखारी ये सारे वहाँ पर मौजूद थे इसके अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी है वो वहाँ पर मौजूद रही और काजी इसर साहब का जो ज्कबाल था वो नारों से डोनट से और जूतों से किया गया इसको आप क्लासिक छतरॉल कहेंगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि अंदर भी जो कुछ हुआ है वो अक्समंद नहीं हो सका वीडियो कैमराज और अंदर मोबाइल फोन लेकर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन बहरहाल कुछ लोग क्लेम यह कर रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर कि उनके ऊपर जूतों की बरसात हुई है कुछ कह रहे हैं कि उनके ऊपर डोनट्स फेंके गए लेकिन गोल्डन सॉरी मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी से जब काजी फायज साहब बाहर निकल रहे थे तो उनके ऊपर जो है वो कैमरे लगे हुए थे और उन्होंने अपनी नज़रें छुपाते हुए अपनी आंखें बचाते हुए अपना सर झुकाते हुए निकलने की कोशिश की और उनके बैकग्राउंड में जो नारे लग रहे हैं वो थे लानत काजी तेरे किरदार पे लानत काजी तेरे अतवार पे लानत काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी ये वो नारे थे जिससे मिडिल टेंपल यूनिवर्सिटी का जो अहाता था और बैरूनी दरवाजा था वो गूंज उठा अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि आपने जिंदगी में अगर कोई एक अच्छा काम किया होता कोई बेहतर काम किया होता आपने अगर कैमरों को बंद करने की बजाय कैमरे खुले रखे होते अगर आपने टीवी ना देखने की बजाय टीवी देखा होता और अगर आप झूठ पर मबनी लाइव स्ट्रीमिंग की बजाय सच पर मबनी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कर रहे होते तो शायद आपको आज ये मनाजर ना देखने पड़ते बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक है मैं किसी तौर भी विजलाटी जस्टिस के कायल नहीं हूं मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि किसी का जलाओ घेराव किया जाए लेकिन जब आप इस तरह के वाकत कर बैठते हैं जब आप इस तरह के मामलात करते हैं और पर बराजमान रहते हुए अपनी आंखें बंद रखते हैं तो फिर पब्लिक चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हो और वंस अ ऑलवेज अ पाकिस्तानी उसको आप रोक नहीं सकते हैं तो जो छितौल हुई है काजी साहब की और जिस तरह डोनट उन्होंने पाकिस्तान में खाए थे और डोनट वो लंडन के अंदर खा रहे हैं इस बात के ग्माज हैं कि इज्जत कोई नहीं बची है भाई साहब और ये पीछा अभी तक नहीं आपकी आखिरी सांसों तक होता रहेगा जो कुछ आप कर बैठे तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको जो है अपनी जिंदगी के अंदर डैमेज कंट्रोल करते हुए आखिर में एक आध फैसला ऐसा कर देना चाहिए था जिससे लगता कि वो पब्लिक के चीफ जस्टिस हैं ना कि सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट बचाने के चक्कर में बैठे हुए हैं तो ये टॉप स्टोरी ऑफ द डे थी मैंने इसके ऊपर दो तीन ट्वीट भी किए थे साथ साथ अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं इस वक्त एक इंपॉर्टेंट हेरिंग चल रही है हडियाला जेल के अंदर उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कैंपेन शुरू की है कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई ज्यादती हुई चादर चार दीवारी को पामाल किया गया बच्चों को घसीटा गया उनको स्क्रीन पर लाया जाए उनसे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएँ और एक बयानिया बनाया जाए ताकि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो कलेक्टिव हो सके लेकिन हद ये है कि हमारा नेशनल मीडिया तो वैसे बंद किए प्राइम टाइम की जो हैं। खान हो गया इंसाफ के जो मरकजी के की अंदरूनी लड़ाई है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय जो कुछ हुआ उसको हाईलाइट किया जाए जब वो हाईलाइट नहीं कर रहे लेकिन आपके गेस्ट उनके शोज के अंदर मौजूद हैं तो वो तो इसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं भाई जान आप कौन सा टॉपिक लेकर बैठे हो आओ नजर इधर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमने खातून को बिठाया हुआ था उनके साथ जो पिछले दो साल के अंदर ना इंसाफी हुई चादर चार दीवारी पमाल की गई और जो सेनेट और कौमी असेंबली के वोट खरीदने के लिए उनकी फैमिली के ऊपर प्रेशर था उसके ऊपर बात करते हैं ना आप ये कौन सा टॉपिक लेकर बैठे हो यह नहीं कर पा रहे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपका माइंड आपकी डायरेक्शन को साथ लेकर ना चल रहा हो तो फिर आपको अपने अंदर कुछ तब्दीली लानी होती है ये लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर लाएंगे ये लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े धरने जलसे और मुल्कर एहतजाज करने हैं और उनकी हालत यह है कि उनको मीडिया मैनेजमेंट नहीं आ रही तो फिर जब आप मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे आपको अपना मुद्दा हाईलाइट करना नहीं आ रहा है आपको एक स्टेग्नेंट वाटर के अंदर रिपल यानी अरताश जनरेट करना नहीं आ रहा है तो फिर आप क्लेम्स इतने बड़े बड़े क्यों करते हैं ये बहुत अफसोसनाक है ये चीज़ मैंने आपके सामने शेयर करनी थी इसके अलावा गुज्तर रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतबात हुए उसके नतज जो आए वो आप सबको पता चल चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतबात बाबा नतज का ऐलान कर दिया गया है आसमा जहंगीर ग्रुप के मियाँ राऊ फ़तः तीन सौ अड़तालीस वोट लेकर निकल गए जीत गए हामिद खान ग्रुप के सिदारती उम्मीदवार मुनीर काकर तीन सौ छब्बीस वोट लेकर पीछे रह गए और यूं हुआ ये कि मुबैना तौर के ऊपर प्लाट जीत गया और हक हार गया लेकिन इसके लिए भी लॉबिंग करनी होती है जो लॉबिंग नहीं कर पाता फिर उसके हालात और वाकयात नतज की सूरत में आपके सामने आ जाते हैं गुज्तर रोज़ मुबैना तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने सहाफियों से गफ्तु की है कि वकील से भी गुफ्तू की उसका लब लबाव कुछ सामने आया है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ सबक वजी अजम इमरान खान की अडियाला जेल में साहफियों और वकला के साथ गफ्तु उन्होंने जो कुछ कहा पॉइंट टू पॉइंट जो रिपोर्ट हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूँ वो कहते हैं वाजल अल्फाज में कहना चाहता हूँ जिसने भी छब्बीसवी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है उसने आइने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है कोर्ट एंड कोर्ट इमरान खान मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रख के जहनी अजियत दी गई ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है इमरान खान बोलते हैं जानवरों से बदतर सलूक किया गया सेल की बिजली पांच दिन तक मुनता की गई सेल में घुप अंधेरा रखा गया दस दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया दस दिन तक सेल से बाहर ना निकलने की वजह से मेरी तबीयत खराब रही कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई ये सख्तियाँ और टॉर्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तबिल और पाकिस्तानी के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि इसके पैसे जायदाद इन्वेस्टमेंट सब कुछ बाहर है ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं जब ये यह वजीम था तो बाईस दफा बरतानिया गया अब तो वैसे भी ये बारहवा खिलाड़ी है इसलिए अपने वतन वापस पधार गया इंतजार पंचौता के वाक पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा जबरी गुमशदगी मेरी से मुखासमत का हकसाना है मुल्क में मुकम्मल लाकानूनीत का राज है मेरे फोकल पर्सन के अफवा को इक्कीस दिन हो गए उसका क्या कसूर है अफसोस है अदालतें भी खामोश रहेंगी आज 30 अक्टूबर 2024 यानी बुध के दिन अडियाला जेल में बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस यानी एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड केस की के समात हो रही है और अभी थोड़ी देर पहले इस शुरू हुई है तो बुशरा बीबी साहिबा उसके अंदर पेश हुई हैं इसकी जो तफसीत होंगी वो अगले व्लाग में मैं शेयर करूंगा लेकिन अभी इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक समात जारी है अच्छा कुछ मजीद मैं अपडेट्स शामिल कर देता हूँ वो ये हैं कि पी टी आई की जो सैनटर हैं सानिया नष्टर साहब उन्होंने सैनट की नशस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है सैनेटर सानिया नस्तर ने जनीवा में बैन अवी इदारे में मुलाजमत इख्तियार कर ली है और इसके बायस उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा कुछ डिटेल्स और भी मैं शामिल करता हूँ लाइक औरिया मकबूल जान साहब के मुताबिक के मुतल उनके जो वकील हैं मियाँ अली शफाक साहब वो क्लेम करते हैं कि जिस बंदे ने और मकबूल जान साहब के ऊपर मुकदमा कर रखा था वल्क से भाग गया है और उनके मुताबिक यानी मियाँ अलीशाक के मुताबिक अगली बारी जो है वो इमरान रियाज खान साहब की है ये हालात जो मुल्क के बन गए हैं उसमें गिरफ्तारियां तो एक मामूल का केस हैं या ब्राक तो मामूल का केस हैं बहरहाल इसके ऊपर जो है जो हालात और वाकयात मुस्तबिल में जो बनते जाएंगे वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे जनाब इसके अलावा जो है इन सारे मुद्दों के ऊपर ख़ासतौर पर काजी फ़ायलस साहब के साथ जो कुछ हुआ है इसके ऊपर इमरान रियाज खान हामिद मीर समी इब्राहिम और साबिर शाकिर साहब कमेंट कर रहे हैं इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वो एक पिक्चर जिसमें उन्होंने सर झुकाया हुआ है और गर्दन शुतुरमुर्ग की तरह अगली सीट के नीचे दी हुई है वो पिक्चर उनकी वायरल हो रही है वो वीडियो जिसमें उनको लानते पड़ रही है शुरू में आपने मुलाजा भी कि वो वीडियो उनकी वायरल हो रही है और इस सारी सिचुएशन के अंदर पब्लिक जो है वो ये क्लेम करती है कि इन हालात में जिस शख्स ने पाकिस्तान को इस नहज तक निज़ाम को पहुँचाया उसको किसी तौर पर भी स्पेयर नहीं करना चाहिए उनके खिलाफ जो है Uh, मामलात को पाकिस्तान की अदालतों में चैलेंज किया जाना चाहिए बल्कि कुछ तो ये पर तोल रहे हैं कि लंदन की अदालतों में भी चैलेंज करेंगे कि इसने अवा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की और लंदन में अब इस तरह से किस तरह से घूम रहा है इस सारी सिचुएशन के ऊपर कुछ पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं लाइक डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब आलिया हमजा मलिक साहिबा सनम जावेद खान फलक जावेद खान ये सब के सब कमेंट कर रहे हैं और ये मकबूल जान साहब का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनके केस के अंदर होना ये था कि उनको जो है वो कल जमानत मिलनी थी लेकिन कल शाम तक तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई अगर आपके को पास कोई अपडेट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अभी तक मुझे नहीं पता कि उनकी जमानत हुई या नहीं हुई बहरहाल उनका जो मुद्दा ही है केस का वो भाग गया मुल्क से और उसके ऊपर कॉमेंट किया मियाँ अली शफाक साहब ने जो दोपहर का विला होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक और रिप्लेसमेंट प्लान मेरे सामने आया है कि क्यादत को किस तरह रिप्लेस करना है एक और प्लान ये पीटीआई से मुतालिक नहीं है ओवरऑल पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है मैं बताऊंगा वो आपने बड़े गौर से देखना है इसलिए गुजारिश है कि आपने दोबारा जो दूसरा ब्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है असल वरहत ला वर्क